पढ़ाई और सब कुछ चेंज होगा। तो चलिए अभी देखते हैं और क्या करते हैं। मैं चेंज कर लेती हूँ, मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब मेरे मतलब चल जाएंगे। नमस्कार, देवनगरी उत्तराखंड की द्रोण नगरी से मैं आपकी होस्ट संगीता। कल क्या हुआ कि मायके से आने के बाद मैं अपने घर पहुंच गई हूँ और घर थोड़ा मैसी था, लेकिन इतना भी नहीं था गंदा। लेकिन इन लोगों ने मुझे एक सरप्राइज दिया कि बाथरूम क्लीन करवा दिए। तो कल कंपनी वालों को बुला के इन्होंने बाथरूम सारे क्लीन करवा दिए। हालांकि अभी रहा हुआ है, बता रहे थे कि आज भी वो आएंगे क्लीन करने, तो वो बाथरूम का सारा सामान गैलरी में भरा पड़ा है। तो कहते हैं अब देखते हैं कितने देर में आते हैं। और मैंने ये कर्टन्स लगाए थे, तो ये कर्टन्स मुझे थोड़ा ऐसे ही लग रहे थे, तो मैंने ऑनलाइन कर्टन्स मंगाए ग्रे कलर के, मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए ये कर्टन्स है, तो ये कुछ वेलवेट में है, वेलवेट में है, देखिए ये वेलवेट में है। मुझे बहुत अच्छे लगे, जैसा मैं चाह रही थी फैब्रिक बिल्कुल वैसा ही है। और फिर ये सिर्फ दो का सेट था और मुझे 9 फिट के चाहिए थे, तो 9 फिट के बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन मिल गए, मेरी पसंद के मिल गए, जो मैं चाहती थी वही मिल गए। इसमें काफ़ी कलर थे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ग्रे कलर अगर कहीं दिख जाता है तो मुझे ग्रे कलर बहुत अच्छा लगता है। तो इसके साथ मैंने इसके साथ मैच मिलाने के लिए मैंने मंगाए थे, लेकिन ये थोड़ा सिंथेटिक ही है। मैंने सोचा था ये भी शायद वेलवेट में है, मैंने इसका वो नहीं पढ़ा ज़्यादा, तो ये है सिंथेटिक। लेकिन ये भी बहुत प्यारे हैं, जैसा भी है बहुत अच्छे हैं, पर मैंने वेलवेट सोचा था इसको भी जल्दबाजी में मंगा लिए थे, क्योंकि मेरे को माइक के जाने की जल्दी हो रही थी तो तब मंगा लिए थे। तो ये मुझे मतलब पर मैंने वेलवेट में सोचे थे, तो इसको और इसको मैं कॉम्बिनेशन करके लगा देती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। और मैं इसका अब लुक एकदम चेंज करने वाली हूँ, तो आज कर लेती हूँ कि मैं त्योहारों में बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, खरीदारी करूँ कुछ भी करूँ बस फ्री हो जाऊँ। तो मैं जितना निपटाना सोचूंगी उतना मतलब निपटा दूंगी, आज काफ़ी काम मैं निपटा दूंगी, इसी वजह से मैं जल्दी आ गई थी मायके से। तो चलो लगाते हैं इसको। इसके मैंने दो सेट मंगाए थे, पर पता नहीं क्यों एक ही सेट आया अभी तक, हो सकता है अब आए, लेकिन दोनों एक साथ ऑर्डर किए थे तो एक साथ आ जाते तो मेरा काम बन जाता, अब वही 4 का सेट लगाना पड़ेगा मुझे। तो चलो जैसा भी है फिर देखी जाएगी बाद में, तो लगा देते हैं इसको पहले। सोफे के सारे कुशन सब निकाल दिए हैं, इनको चेंज करूंगी, सफाई कर दी है, सबकी सफाई कर दी है। अब ये मैंने लास्ट ईयर सोफे के कवर लिए थे, ये देखिए ये वाले, तो ये वाले बिछा देती हूँ मैं, बहुत सुंदर कवर है ये, तो ये मैं बिछा देती हूँ और कुशन कवर भी चेंज कर लेती हूँ। देखिए कुशन, ये सोफे के कवर तो मैंने बिछा दिए हैं, अभी मैं नज़दीक से दिखाऊंगी, दिख नहीं रहा होगा साफ। अब है कुशन की बारी, तो कुशन पे मैं ये वाले कवर लगा देती हूँ, बहुत सुंदर कवर है ये भी, मैंने लास्ट ईयर ही लिए थे, बहुत सुंदर कवर है। तो कुशन, तो मैंने सोफे के कवर कुशन कवर सब
चेंज कर दिया है। अब मैं आपको लुक दिखाती हूँ। इसके नीचे का भी मेज पोस मैंने चेंज कर दिया है। पहले दूसरा ग्रीन कलर का था, अब मैंने ये वाइट वाला चेंज कर दिया है, ये वाला। और अब देखिए सोफे मेरे थोड़ा चेंज करके ना कुछ और ही बात हो जाती है, थोड़ा बहुत चेंजिंग करके। तो ये सामने वाला सोफा है इस तरह से, और ये कर्टन्स की लुक है। लेकिन ये थोड़े लंबे हो गए हैं तो नीचे से मुझे फोल्ड करना पड़ेगा इनको, तो अभी तो नहीं, मैं या तो कच्चा कच्चा कर लूँगी, सुई से कर लूँगी, क्योंकि अब मैं निकालना नहीं चाहती। मेरी कमर टूट गई, कमर में दर्द हो गया ये सब चेंज कर करके, तो मैं इसको नीचे से सुई से फोल्ड कर दूँगी सुई धागे की हेल्प से। तो घर में हल्का फुल्का भी थोड़ा चेंजिंग कर दिया जाता है तो घर कुछ और ही नज़र आता है, अच्छा लगने लग जाता है। तो ये मैंने सोफे की कवर अभी 2 साल हुए होंगे, 2 साल पहले लिए थे, और साथ में ही ये कुशन कवर लिए थे, वाइट वाले जो कुशन कवर है ना, ये भी मैंने बड़े वाले साथ ही लिए थे। तो ये चीज़ आ गई, दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही है। और मैंने सब इससे पहले मैंने सोफे की कवर हो या कुशन कवर हो, मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, तो मैं बनाती रहती थी। मतलब आजकल तो यूट्यूबर बनी भी हूँ, यूट्यूबर नहीं भी थी तो मैं ये चीज़ें सब बनाती रहती थी, तो इसीलिए मुझे बहुत शौक है घर को सजाने का, संवारने का, और उसके लिए अपने हाथों से चीज़ें बनाने का। मैंने सारे कुशन अपने हाथों से बनाए हैं, लेकिन ये वाले कुशन ये मार्केट के हैं, तो ये नहीं मैंने बनाए हैं। तो इसी वजह से मैं यूट्यूब में मैंने स्टार्ट किया। ये मैंने 2-3 साल पहले बनाए थे, कर्टन्स लॉकर बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, तो ये चीज़ बनाया था मैंने। ये फ्लावर अलग से है ऐसे करके, तो ये 2 टेसल्स बनाए थे, तो इसकी एक इस तरह से चोटी सी बना ली, तो इस तरह से, और इस फ्लावर के अंदर डाल के इसे कर्टन्स को लॉक कर देंगे। मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से ये लॉक हो गए कर्टन। तो आप हल्की सी धूप भी आप लेना चाहें या धूप दिखाना चाहें या धूप लगाना चाहें, तो इस तरह से ये कर्टन्स लॉक हो गए। अब ये ऐसे ही रहेंगे, तो जब निकालना चाहो तो निकाल लो। तो मैंने पहले ऐसे इस तरह से लगा रखे थे, तो काफ़ी टाइम से मैंने इस तरह से ये हटा दिए थे, तो अब मेरा मन किया कि मैं लगा लेती हूँ फिर से, तो लगा लिए। तो इस तरह से हम इस तरह से अपने आप अपनी बनाई हुई चीज़ों से ये लॉक अपने हाथ से बना सकते हैं। बहुत इजी है, क्रोशिए से आराम से बन जाता है। ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा देती हूँ, इस तरह से देखिए इस तरह से ये बन जाता है। आजकल जैसे उजाला चाहिए, गर्मियों में तो उजाला नहीं चाहिए तो उसके लिए तो डार्क कर्टन सही है, लेकिन आजकल उजाला चाहिए तो उसके लिए हम ये लॉक लगा सकते हैं, और आराम से हमें धूप भी मिल जाएगी, गर्माहट मिल जाएगी, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये कल तोरी लाई थी वहां से, सूखी तोरी, मैंने इसका छिलका उतार लिया था, इसका बीज मैंने झाड़ लिया है, अब बीज नहीं है इसमें, अब बीज बिल्कुल भी नहीं है। तो
तो ये तोरी लाई थी मैं मायके से, तो इसको मैं उबाल लूंगी अब गर्म पानी में, उसमें डिटर्जेंट डाल के। और ये मैंने चपटा कर लिया था, ये मैंने कल ला के, और इस पे हैवी ये बट्टा होता है ना सील का बट्टा, तो सील के बट्टे के नीचे ऐसे करके इसको दबा दिया था, तो ये चपटे हो गए। तो इसी तरह से मैंने चपटे बनाने हैं इनको सबको। तो मैं इसमें कीटाणु ना हो या कुछ भी गंदगी ना हो, तो एक बार हम इसको अपने आप को सेफ रखने के लिए थोड़ा इसमें गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल देते हैं और इसको थोड़ा पका लेते हैं। तो इसके बाद हम इसी के नीचे रख देंगे इसको दबा के, तो ये चपटे हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। तो मैं डालती हूँ डिटर्जेंट, मैंने पानी चढ़ा दिया है, तो ये मैंने पानी चढ़ा दिया है गैस पर, तो इसमें डाल दूंगी मैं। कोई भी आप डिटर्जेंट पाउडर या बर्तन मांजने वाला डाल सकते हैं, सर्फ पाउडर कुछ भी डाल सकते हैं। और इसमें अब हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं इसको, ये डिटर्जेंट सारे में फैल जाए, तो ये हम डाल देंगे इसमें, जम्स वगैरह सब खत्म हो जाएंगे इससे। तो पानी उतना रखें कि ये ढंग से डूब जाएं। ये देखिए कोई कोई काला काले 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 हो रखे, तो इसमें चींटियां भी बहुत ज़्यादा थी, चींटियों के अंडे तक दिए हुए थे चींटियों ने, तो मैंने वो सब झाड़ लिए, पाप भी नहीं करना है अपने हाथों से। और इसको हम इस तरह से थोड़ी देर उबलने देंगे, तब दबाएंगे इसको। हम ऐसे करते हैं, ये रख देते हैं इसके ऊपर, थोड़ा ये दब जाएगा, थोड़ा इसका ढंग से पक जाएंगे ये। तो इस तरह से पका के फिर ये सेफ हो जाएंगे, इसको धो के फिर हम इसको दबा देंगे इस पत्थर के नीचे, हम इसको दबा देंगे तो ये हमें बिल्कुल फ्लैट मिलेगा। फिर हम इससे दो प्रयोग में ला सकते हैं इसको, वो दो प्रयोग मैंने आपको बता रखा है, दो यूज कौन कौन से हैं। एक से हम नहा सकते हैं, झाबे का काम कर सकते हैं, और दूसरा बर्तन मारने का जूना होता है जिससे हम बर्तन धोते हैं, तो हम इससे बर्तन भी धो सकते हैं। स्कॉच ब्राइट होता है ना, स्कॉच ब्राइट का काम करता है ये, तो ये दो फायदे होते हैं, और घर के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी तरह से मैं आगे भी और जानकारियां देती रहूंगी आपको, तो बने रहें मेरे साथ। तो ये है वो, गर्म पानी में रख दिए थे मैंने, तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। ये वाला मैंने कल यूज कर लिया था, ये वाला ना, ये मैंने कल गर्म पानी में धो के इसको यूज कर लिया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ बर्तन धो के। ये पानी फेंक देते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए देखिए कितने अच्छे मंज रहे हैं इससे बर्तन, तरह से इसका यूज कर सकते हैं।